क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें हैं, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। खान और आप देख रहे हैं राह चलती औरतें और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाला सलमान अब पुलिस के पकड़ में आ गया है। आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि एक लड़की जा रही है और तभी पीछे से आ रहा ये बाइक सवार उस लड़की को पीछे की तरफ से गलत तरीके से टच करता है, मगर आरोपी सलमान वहाँ लगे CCTV कैमरे से अनजान था और इसकी यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई और इसी CCTV फुटेज के जरिए पुलिस ने सलमान को पकड़ लिया। पुलिस के दोनों कंधों पर हाथ रखकर लंगड़ाता हुआ चलने वाला ये वही आरोपी है सलमान, जिसने लड़की के साथ बदतमीजी की थी। हालात तो देखकर यही लग रहे हैं कि पुलिस ने सलमान की अच्छी खासी खातिरदारी भी की है और शायद ही पूरी जिंदगी में अब सलमान किसी लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी है और ये पूरा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि इस आरोपी सलमान ने और भी कई लड़कियों के साथ छेड़खानी की और उन्हें धमकी भी दी है, मगर इस बार सलमान को पुलिस ने दबोच लिया और अब ये आरोपी सलमान अपने किए की सजा भुगत रहा है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र सिविल लाइन के जाट कॉलोनी में एक मनचले व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पे लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए की घटना उसमें कैद हुई थी। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस पर सुसंगत धाराओं में छेड़खानी की और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए SOG टीम और थाना सिविल लाइन की टीम ज्वाइंट टीम के द्वारा इसमें लगातार दबिश दी जा रही थी और ये 24 घंटे के अंदर अंदर थाना सिविल लाइन पुलिस और SOG टीम द्वारा इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इस अभियुक्त का नाम सलमान सन ऑफ गुलजार है, ये साउथ खालापार का रहने वाला है। अब इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।